खबर फटाफट में आपका स्वागत है। जागृत आदिवासी दलित संगठन एवं प्रगतिशील किसान संघ ने शनिवार को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में भाग लेते हुए 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कर फसलों की लागत पर 1.5 गुना दाम पर खरीदी की कानूनी गांठी की मांग उठाते हुए बुरहानपुर जिले के किसानों ने कलेक्टर महोदय प्रवीण सिंह को राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। जागृत आदिवासी दलित संगठन एवं प्रगतिशील किसान संघ द्वारा देशव्यापी आंदोलन में भाग लेते हुए स्थानीय मुद्दों पर भी राज्य सरकार से निराकरण की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रदेश के जंगलों को कंपनियों के हवाले बेचने के प्रयासों की भी निंदा करते हुए किसानों ने कहा, पहले सरकार द्वारा प्रदेश के 40% जंगलों को कंपनियों के हवाले करने की कोशिश की गई, अब छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल में सरकार 382 हेक्टेयर का जंगल काटकर आदित्य बिरला कंपनी के मुनाफाखोरी के लिए 2 लाख से भी ज्यादा पेड़ों की बलि चढ़ाना चाहती है और 8,000 से भी ज्यादा लोगों को उजाड़ना चाहती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार के इस रवैये के चलते पिछले 1 वर्ष में वन विभाग की मिलीभगत से अवैध कटाई एवं लकड़ी तस्करी के मामले सामने आए हैं। जिस तरह से नेपानगर में हाल ही में ट्राली भरकर लकड़ी पत्रकारों द्वारा पकड़ी गई, पर मामले को दबा दिया गया, ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर देशव्यापी खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के अंतर्गत शनिवार को बुरहानपुर जिले में किसान मजदूरों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। खबर फटाफट से शहजाद अली की रिपोर्ट। खबर किसान जो चाह रहा है कि भाई देश को, देश के किसान को क्यों गुलाम बनाना चाह रहे हैं, क्यों बांधना चाह रहे हैं सरकार, अपनी मनमानी पे क्यों पूंजीपति के खिलाफ कानून क्यों बना रहे हैं। इसलिए काले कानून वापस करवाने के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। और जो अपने मध्य प्रदेश में कुछ हीरा खदान के लिए जंगल नुकसान करके यहाँ खदान निकाल रही सरकार, उसे भी तत्काल रोकने के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं इन सारे मुद्दों के साथ। और हम सब किसान मजदूर एक होंगे, देश का पूरे किसान आदिवासी किसान मजदूर एक होकर इस कानून के विरोध करते हैं। हम इस कानून को बिल्कुल पूरी रीति से अगर सरकार वापस नहीं लेगा तो देश का हर राज्य का किसान दिल्ली पहुंच जाएगा। किस संगठन के माध्यम से आप हम ज्ञापन दे रहे हैं? जागृत आदिवासी दलित संगठन से। मेरा नाम रतन अलावे।